Hey everyone, welcome to Spill Pee. Let's talk about Salman Khan's ex-girlfriend Soumi Ali Khan, जिसने recently काफी allegations लगाए सलमान पे. But disturbing चीज ये है that अपने controversy में उसने कटरीना कैफ का भी नाम drag किया, saying that कि सलमान के बुरे बर्ताव की वजह से कटरीना called her and she was also in the mess. जिन्हें नहीं पता 90s के दौर में सोमी अली dated सलमान खान. सोमी वॉज बॉर्न इन कराची पाकिस्तान. बाद में 9 years की एज में अपनी फैमिली के साथ वो यूनाइटेड स्टेट्स चली गई. लेटर ऑन जब वो 15-16 साल की हुई तब शी डिसाइडेड दैट वो US से मुंबई शिफ्ट हो जाएगी. बॉलीवुड में उसे काम करना था एंड सलमान खान पे उसे काफी बड़ा क्रश था. एंड इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे ना तो इट इज सेड कि 1991 से लेके 1998-1999 तक दे डेटेड. 8 years का इनका ये रिश्ता था. एंड ये जो चीज है ना वो थोड़ी मेस्ड अप है क्योंकि सोमी का एज तभी 16 years के अराउंड होगा एंड सलमान वाज अराउंड 26-27. सोमी 1976 बॉर्न है एंड सलमान जो है 1965. नियरली 9 years का एज गैप है. एज गैप एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है दैट सोमी 18 की नहीं थी. इवन सोमी ने भी एक पोस्ट में ये एक्सेप्ट कर लिया है. लेटर ऑन 1998 के साल में सलमान मेट ऐश्वर्या एंड हिज रिलेशनशिप विद सोमी एंडेड. इट इज अ रूमर दैट ही चीटेड ऑन सोमी अली खान. Anyways, ये सब चीज को हुए अभी 25 years almost हो चुके हैं एंड इट इज weird दैट अभी सोमी ये टॉपिक उठा रही है. रिसेंटली एक पोस्ट उसने डाला था जहाँ पे कई डिस्टर्बिंग चीजें शी रिवील्ड. बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने जैसे इंडिया टाइम्स ने भी ना ये चीज को कवर किया. आर्टिकल्स लिखे गए थे जहाँ पे वो पोस्ट के बारे में मेंशन किया गया था. पोस्ट में सोमी ने खुद का फोटो डाला था, नीचे लिखा, यू टुक इट ऑल एंड स्टिल यू थ्राइव सलमान फॉर टेकिंग इट ऑल फ्रॉम अ 16-year-old. यू आर डिस्गस्टिंग जस्ट लाइक योर फादर हु अब्यूज्ड योर मदर फॉर इयर्स. You couldn't even protect your mother. Sadly to watch your mother like this and then you have your father as your idol. You illiterate person. You beat Shaheen, Sangeeta, Soumi and many more. Katrina even called me when I was in my master program. I will let my autobiography say it all. Abhi yahan pe aise words bhi usne use kiye the jo I couldn't include here. ये पोस्ट डालने के कुछ वक्त बाद सोमी डिलीटेड इट एंड देन उसने क्लेरिफिकेशन दिया कि किसी और ने उसका इंस्टा हैक करके ये डाल दिया था. सीम्स लाइक यहाँ पे शी वाज नॉट टेलिंग द ट्रूथ एंड शी वाज ट्राइंग टू कवर इट अप. क्योंकि इस बार कटरीना एंड संगीता का भी नाम उसने ड्रैग किया था अपने पोस्ट में एंड ये पोस्ट के बारे में शी इज लाइंग. ये इसलिए लग रहा है बिकॉज लास्ट 8 months से ऐसे पोस्ट वो बार बार डालते जा रही है. बड़े बड़े एलिगेशन वो सलमान के अगेंस्ट लगा रही है एंड इवन इंटरव्यूज भी उसने कई सारे दिए हैं जहाँ पे शी सेड कि उसे रूम में बंद करके मारा जाता था. तो एक बार शायद ऐसा पोस्ट किसी और ने डाला होगा बट 8 महीनों में मल्टीपल पोस्ट ऐसे देखने मिले हैं एंड ये सारे जो भी इंटरव्यूज है ना वो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जहाँ पे ओपनली वो सलमान को कई सारे डिस्टर्बिंग चीजों के लिए अक्यूज करी है. जस्ट दैट इस बार उसने अलॉन्ग विद सलमान कुछ ऐसे लोगों को भी मेंशन किया है ना जो अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो उस चीज के रेपरकशन सोमी को फेस करना पड़ सकता है. विदाउट प्रूफ वो किसका नाम नहीं ले सकती. इस वजह से शायद उसने ये नरेशन चेंज किया. अब ये पिछले ना 8-9 months से चल रहा है. ऑलमोस्ट 8 महीने पहले शी स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज अगेंस्ट हिम एंड उस दौर में भी उसने ऐसे पोस्ट वगैरह डाले थे. वो ऐसे पोस्ट करती फिर डिलीट कर देती एंड ये जो टाइमिंग है ना वो इसलिए थोड़ा फिशी लग रहा है बिकॉज 8 महीने पहले जब उसने ये सब स्टार्ट किया था ना तब सोमी का एक शो रिलीज होने वाला था. वो किसी एक एनजीओ में काम करती है एंड ये शो में ना वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उससे रिलेटेड बात शायद होने वाला था. ट्रैफिकिंग, वायलेंस, ये सबसे रिलेटेड. पर फॉर सम रीजन शो को बैन किया गया. अभी यहाँ पे किसको भी नहीं पता कि सलमान खान इसमें इन्वॉल्व कैसे थे बट सडनली सोमी स्टार्टेड अक्यूजिंग सलमान कि इसकी वजह से ये सब हुआ है, उसने मेरा शो रोक दिया है. प्रॉब्लम अभी 25 इयर्स बाद ये करने में ये है दैट पहले तो शी इज डूइंग ऑल दिस इन मीडिया एंड बिना प्रूफ दिखाए वैसे बड़े बड़े एक्यूजेशंस लगा रही है वो भी मीडिया में. इन अ वे एक मीडिया ट्रायल चल रहा है. अभी आप यहाँ पे कहोगे कि अगर एक्चुअल में शी वांटेड जस्टिस तो वो कोर्ट में भी जा सकती थी प्रूफ के साथ, तो ये एक सेंसिबल पॉइंट है. बट मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी ना कि क्या 25 साल पहले हुए इंसिडेंट्स को अभी कोर्ट में कोई लेके जा सकता है तो आई गॉट टू नो कि देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन. ये वायलेंस की जो बात हो रही है सोमी के केस में, ऐसे केसेस में एक टाइम लिमिट होता है. उसको एक्सीड किया तो एट टाइम्स यू कांट फाइल अ केस, या तो आपका केस लिया नहीं जाता. अभी दिस डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस. रीजनेबल टाइमलाइन ऐसा वर्ड यूज किया गया है और वो रीजनेबल टाइमलाइन क्या होगा वो अथॉरिटीज डिसाइड करते हैं. एंड कुछ केसेस में इट इज क्लियरली प्रीडिफाइंड कि इतने साल के अंदर यू कैन फाइल केस बट आफ्टर दैट इट गेट्स ट्रिकी. अभी यहाँ पे किसी भी तरीके का कंक्लूजन हम बना नहीं सकते कि सोमी सही बोल रही है कि गलत या सलमान कल्प्रिट है कि नहीं बिकॉज दैट विल बी वेरी रॉन्ग. बट ना दोनों साइड से ये केस को देखेंगे तो 90s के दौर में ना ये बोला जाता था कि फाइनेंशियली सोमी को सलमान ने काफी हेल्प किया है. इवन आफ्टर ब्रेकअप एक इंसिडेंट्स के बारे में लिखा गया था जहाँ पे ये बोला गया कि सोमी के एक फैमिली मेंबर काफी सीरियस कंडीशन में थे एंड उन्हें ठीक नहीं था. एंड जैसे ये बात सलमान को पता चली ही वेंट टू हर, उससे मिलने गए, उसकी मदद की फाइनेंशियली. एंड कई इंटरव्यूज में सोमी ने अक्नॉलेज किया है दैट सलमान ने उसकी मदद काफी ज्यादा की है. 10 साल पहले का एक इंटरव्यू सोमी का देखने मिला. अराउंड 2013 को ना उसने एक स्टेटमेंट दिया था फिल्म फेयर को. उस कॉन्वर्सेशन में शी वॉज प्रेजिंग सलमान लाइक एनीथिंग. करंटली जिस एनजीओ को लेके वो इशू कर रही है कि ये शो को रोका जा रहा है
उसी एनजीओ का नाम लेते हुए शी स्टेटेड दैट सलमान हेल्प्ड हर अ लॉट इन क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर हर एनजीओ जिसका नाम है नो मोर टीयर्स। एंड और एक स्टेटमेंट में शी रोट सलमान पुट्स अदर्स बिफोर हिमसेल्फ, वो एक ऑनेस्ट मैन है। इसी वजह से सोमी का अभी का जो केस है ना वो काफी वियर्ड होता है। तो सोमी ने ये सारे इंटरव्यूज दिए हैं बट पास्ट में उसने एक ऐसा भी इंटरव्यू दिया है जहाँ पे शी इज एक्सेप्टिंग कि सलमान उसको मारता था। एंड तभी सलमान को डिफेंड करते हुए शी सेड कि सलमान उसको ऐसे ट्रीट इसलिए करता था बिकॉज वो उससे प्यार करता है। तो इस बारे में ना उसने कभी अपना नरेशन चेंज नहीं किया है, उसका रिलेशन टॉक्सिक था, वो पहले भी बोलती थी अभी भी बोलती है। एंड चलो जब वो 16-17 साल की थी तब इट वॉज अंडरस्टूड दैट शी वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड कि उसके साथ क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन क्या है। बट 2013 में वो ऑलमोस्ट 37 ईयर्स की थी, स्टिल वो उस इंटरव्यू में ना सलमान को सपोर्ट कर रही थी। एंड अभी सडनली 10 साल के गैप के बाद 2023 में वो सलमान को गालियां दे रही है। एंड इसी वजह से हर क्रेडिबिलिटी इज बीइंग क्वेश्चन कि ब्रेकअप होने के काफी सालों तक वो सलमान से हेल्प लेती रही बट अभी क्या इंटेंशन से वो रिटर्न आ रही है। एंड ऑब्वियस सी चीज है ऑडियंस ये क्वेश्चंस रेज करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट्स इतने बार बदले गए हैं। बस अगर वो इतने सीरियस एलिगेशंस लगाएगी विदाउट प्रूफ देन वो खुद को एक रिस्की सिचुएशन में डाल रही है क्योंकि ये डेफामेशन है। एंड यहाँ पे नो वे सलमान को क्लीन चिट दिया जा रहा है क्योंकि सबको ये पता है कि 20-25 ईयर्स हो गए सलमान का एक बैड बॉय इमेज रहा है। खुद उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि पास्ट में उन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां की है जिसको सोच के ना उन्हें रिग्रेट फील होता है। तो नो वन इज डिनाइंग दैट 90s में उनका इमेज ऐसे ही था कि वो लड़कियों को ठीक से ट्रीट नहीं करते थे। इवन ऐश्वर्या राय ने भी सलमान पे आरोप लगाया था कि सलमान ने उस पे हाथ उठाया है। 2002 में शी अक्यूज्ड हिम ऑफ हरासिंग हर। शी क्लेम्ड दैट सलमान हैड नॉट बीन एबल टू कम टू टर्म्स विद देयर ब्रेकअप एंड इज बॉदरिंग हर लाइक एनीथिंग। ऐश्वर्या के पेरेंट्स ने तक सलमान के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया था। 2003 में विवेक ओबेरॉय ऑल्सो क्लेम दैट सलमान थ्रेटन्ड हिम। देन 2002 के साल में हिट एंड रन के केस में भी सलमान वॉज इन्वॉल्व। वो केस में ना दो वर्डिक्ट आए थे। पहले में 2015 का एक वर्डिक्ट था जिसमें ही वॉज फाउंड गिल्टी बट वापस लॉयर्स ने ना अपील की एंड दिसंबर 2015 के वर्डिक्ट में ही वॉज अक्विटेड विच मीन्स ही वॉज फ्रीड ऑफ क्रिमिनल चार्जेस ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। देन 1998 में ब्लैकबक पोचिंग केस में भी वो शामिल थे। उनके साथ और भी कई एक्टर्स का नाम इन्वॉल्व हुआ था बट उनको गिल्टी नहीं माना गया। बट सलमान वॉज सेंटेंस्ड टू 5 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। लेटर ऑन बेल जो है वो सलमान को मिल गई बट वो जो केस है वो शायद स्टिल पेंडिंग है। बेल पे अगर कोई पर्सन है तो उन्हें जनरली फॉरेन जाना अलाउड नहीं होता बट सलमान के प्रोफेशन को देख के ना उन्हें कुछ स्पेशल परमिशंस के अंडर अलाउ किया गया है। तो कई सारे कॉन्ट्रोवर्सीज का पार्ट वो रह चुके हैं। सो नो वन हियर इज सेइंग दैट कि सोमी कम्प्लीटली झूठ बोल रही है और एनीथिंग लाइक दैट बट पॉइंट इज कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यू कांट जस्ट कीप ऑन चेंजिंग द स्टेटमेंट जिस वजह से इंटेंशन पे डाउट आता है। एंड कंसिडर करो कि ऐसा कुछ सिमिलर चीज ऐश्वर्या राय ने किया रहा था। सोमी अली की तरह आफ्टर 20-25 ईयर्स ऐश्वर्या की तरफ से ऐसा कोई केस आया होता तो लोग जो है ना वो उसे सीरियसली लेते बिकॉज उसने सोमी की तरह अपने स्टेटमेंट्स बदले बिल्कुल भी नहीं है। 2002 में जब वो पुलिस इन्वॉल्व हुई थी ना तब ऐश्वर्या ने अपना स्टेटमेंट दे दिया था जो सलमान का अगेंस्ट था। वो क्लियरली वहाँ पे स्टेट कर रही थी कि उसे हरास किया जा रहा है। उसके बाद से सलमान के बारे में ना कभी ऐश्वर्या ने बात किया, ना उसको कभी प्रेज किया, ना कुछ भी बोला उसके बारे में। कोई भी इंटरव्यू में उससे रिलेटेड सवाल आता तो वो उसको इग्नोर कर देती। तो दैट इज वॉट बींग क्रेडिबल मीन्स। शी इज स्टिल क्रेडिबल। उनकी बातों को लोग आज भी सीरियसली लेंगे। तो ये डिफरेंस आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट। पर सोमी के इतना ज्यादा स्विच करने की वजह से ना हर क्रेडिबिलिटी इज गेटिंग क्वेश्चन्ड। एंड लेट मी क्लेरिफाई दिस अगेन कि ये जस्ट एक डिस्कशन था दैट वी आर डूइंग बेस्ड ऑन द रीसेंट इवेंट्स एंड न्यूज आर्टिकल्स जो सर्कुलेट हो रहे हैं। कोई तरीके का कंक्लूजन यहाँ पे वी कांट मेक एंड वी शुडंट डू दैट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सोमी अली जो भी अभी मीडिया में आके बार बार बोल रही है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।